अभी हम देख रहे हैं टाटा स्टील का चार्ट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा स्टील यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया है और यहाँ पे क्लोज हो गया मार्केट। तो यहाँ पे डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे दिख रहे हैं मार्केट में। और एक चीज आप देखिए हैं तो थोड़ा जम आउट करने से देखिए मार्केट ये क्या किया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बना दिया है इसका नेकलाइन। तो नेकलाइन टूटने के बाद अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, कंफर्मेशन वाला ट्रेड होगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ रहा है तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे। अगर यहाँ से डाउन साइड जाके क्लोज देके सस्टेन कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल्स ट्रेड आराम से ले सकते हैं, गैप ये गैप फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला टारगेट रख के हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं टाटा स्टील में। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो ये डबल टॉप पैटर्न फेल हो जाएगा और ट्रिपल टॉप और इसका हाई भी बना सकता है यहाँ पे। तो उस हिसाब से देख के यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा हम लोग को टाटा स्टील में।